नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मराठी में किताब लिखी है, किताब का नाम है देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है कि मंदिरों का धर्म और धर्म की मंदिर। ये किताब लिखने वाले व्यक्ति है केसी ठाकरे, यानी केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें बहुजन समाज ने प्रबोधनकार ये उपाधि दी और तब से लेकर अब तक वे प्रबोधनकार ठाकरे के नाम से ही जाने जाते हैं। अब महाराष्ट्र के लोगों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि प्रबोधनकार ठाकरे कौन है, लेकिन जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि प्रबोधनकार ठाकरे कौन है, उनके लिए ये बताना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्तमान महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे, इनके दादाजी, और जिन्होंने शिवसेना नाम का संगठन बनाया, पार्टी बनाई, बालासाहेब ठाकरे इनके पिताजी यानी प्रबोधनकार ठाकरे, इनकी लिखी ये किताब है। उस किताब में, उस किताब के लिखने का जो उनका उद्देश्य है वो ये रहा कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने बौद्ध विहारों को तोड़ मरोड़ कर मंदिरों में परिवर्तित कर दिया। मंदिर पहले जो विहार थे या संगागर थे या गुफाएं थी, वो किस प्रकार से, उसका क्या उद्देश्य था, और ब्राह्मणों ने जब उसका ब्राह्मणीकरण किया, उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपना उद्देश्य, ब्राह्मण शाही का जो उद्देश्य है, ब्राह्मण तंत्र का जो उद्देश्य है, वो किस प्रकार से उन मंदिरों से समाज में लागू किया, ये उन्होंने विस्तार से लगभग 40-50 पन्ने की वो किताब है। सारी किताब मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो करंट में विषय चल रहा है, खासकर बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद जो मामला विवादित बन गया, हाईकोर्ट में चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और नवंबर, पिछले महीने के नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी दिया, और अभी 21 मई को जो अवशेष सामने आए हैं, उन अवशेषों के बाद एक नई बहस छिड़ गई है देश में, राष्ट्रीय बहस है, खासकर सोशल मीडिया में आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी बहस है। बहुजन समाज के लोग अभी उस अयोध्या पर दावा कर रहे हैं कि वो जो जमीन है या वो जो जगह है वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, वहां पर जो अवशेष मिले हैं वो बौद्ध धम्म से जुड़े हुए अवशेष है, वो किसी मंदिर या शिवलिंग से या ब्राह्मणी धर्म से जुड़े हुए अवशेष नहीं है, ये दावा बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। और इसी को यही बात सिद्ध करने वाली किताब प्रबोधनकार ठाकरे इन्होंने लिखी है, जिसका एक दो पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। मराठी में पहले पढ़ूंगा, फिर इसको हिंदी में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मराठी में उन्होंने लिखा है, धर्म आणि ईश्वर विषयक कल्पना ही पार उलट्या झालेल्या होत्या, परंतु स्थूल मानाने इसवी सनाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या शतकापर्यंत हिंदू जनात व हिंदुस्थानात देवळे घुसलेली नव्हती। एक एक लाइन को मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूंगा, उसका अनुवाद करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मराठी में उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि दूसरे और तीसरी शताब्दी में ब्राह्मणी धर्म में मंदिर ये संकल्पना, ये कंसेप्ट ही उस वक्त नहीं थी, दूसरे और तीसरी शताब्दी में, ये वो कह रहे हैं। उसके बाद उनका कहना है कि इसवी सनाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या शतकात महाभारत रामायणाच्या जुन्या आवृत्त्या मनसोक्त घालघुसडीच्या फोडणीने फुगविल्या आणि मनुस्मृतीला जन्म दिला। दूसरी और तीसरी शताब्दी में रामायण, महाभारत, इस प्रकार की जो महाकाव्य या महाग्रंथ जिसको कहा जाता है, उसमें उन्होंने कुछ उसको बड़ा चढ़ाकर लिखा, लोगों के सामने पेश किया, और उसी के साथ रामायण महाभारत के साथ में ही ब्राह्मणों ने मनुस्मृति का निर्माण किया। उसके बाद लेकिन मराठी में वो लिखते हैं, पण त्या काळच्या कोणत्याही वाङ्मयात देव आणि देवळे आढळून नेत नाहीत, नाही म्हणायला बौद्ध धर्मीय सम्राट अशोकाच्या आमदनीपासून बौद्ध भिक्षूंच्या योगक्षेमासाठी आणि स्वाध्यायासाठी ठिकठिकाणी मोठमोठे विहार, लेणी, गुहा, संघ, मंदिरे ही अस्तित्वात आलेली होती। वो ये लिखते हैं कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में जो वाङ्मय बनाया गया, जो जो किताबें लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए ब्राह्मणों के द्वारा, उन
किसी उस किसी भी किताब में किसी भी ग्रंथ में मंदिर ये कंसेप्ट ही नहीं था, उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन सम्राट अशोका के माध्यम से, सम्राट अशोका के इनकम से, आमदनी से बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो विहार बनाए गए, जो गुफाएं बनाई गई, जो संगागार बनाए गए, वो बड़े पैमाने पर उसका अस्तित्व था, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद वो लिखते हैं, पुढे पुढे या संघ मंदिरात महात्मा बुद्धांच्या मूर्ती स्थापन करून त्यांच्या पूजा अर्चा बौद्धांच्या हीनयान पंथाने सुरू केल्या। आगे चलकर उसी गुहाओं में या उसी विहारों में बुद्ध के अनुयायी जो थे उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां लगाई और वहीं पर बुद्ध के पूजा अर्चा यानी पूजा करने का काम या बुद्ध को अभिवादन करने का, उसका वंदन करने का काम जो है वो वहां पर शुरू हुआ। हिंदुस्थानात देव देवळांचा उगम शोधतेच गेले तर तो या बौद्ध विहारातच बिनचूक सापडतो। नंतर इसवी सनाच्या 7व्या 8व्या शतकात भिक्षुकशाहीचे उद्धारक आद्य शंकराचार्य यांचा अवतार झाला। वो ये कहते हैं कि अगर ब्राह्मणी धर्म में मंदिरों का अगर इतिहास जानने की कोशिश करे तो वो सीधा बौद्ध विहार जो है वहां तक जाकर मिलता है, वहां तक हमें जाना होगा। और आगे 7वीं और 8वीं शताब्दी में आद्य शंकराचार्य का जन्म होता है, जो ब्राह्मणी धर्म को, ब्राह्मणी धर्म के उद्धारक, उनको, उस ब्राह्मणी धर्म को संजीवनी देने वाले कहलाते हैं आद्य शंकराचार्य। उसके बाद वो लिखते हैं, त्यांनी शुद्धि करून संघटनात सामील करून घेतलेल्या सिथियनांच्या उर्फ राजपूतांच्या पाठबळाने बौद्धांच्या भयंकर कत्तली करविल्या। उसी आद्य शंकराचार्याने राजपूत यानी क्षत्रिय जो लोग थे उनको अपने साथ में लेकर बौद्ध भिक्षु जो थे उनकी हत्याएं, उनका नरसंहार करने का काम शुरू कर दिया। त्यांच्या विहारांची नासधूस केली, उरल्या सुरल्या बौद्धांना देशोधडीला लावले, लक्षावधी लोकांना मसनवाटीस पार धुडकावले, या दुर्दैवी लोकांच्या नशिबाची माणुसकीही हिरावून घेण्यात आली। अशा रीतीने हिंदुस्थानात, हिंदू समाजात अगदी पहिल्यांदाच आद्य शंकराचार्याने अस्पृश्यता निर्माण केली। यहां पर प्रबोधनकार ठाकरे लिखते हैं कि जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं, नरसंहार आद्य शंकराचार्य द्वारा किया गया, ब्राह्मणों द्वारा किया गया, उसी प्रकार से उनकी जो विहार थे, उनकी जो गुफाएं थी, उसको भी तोड़ा मरोड़ा गया, उसकी भी उसको तोड़ा गया, उसको उसका ब्राह्मणीकरण करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से आद्य शंकराचार्य ने अस्पृश्यता का निर्माण किया, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु रहे थे, बौद्ध भिक्षु रहे थे या बुद्ध को मानने वाले जो लोग रहे थे उनको उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से अस्पृश्यता की शुरुआत हो गई। आगे वो लिखते हैं, ठिकठिकाणच्या बौद्ध विहारातल्या पवित्र वस्तूंचा आणि बौद्ध मूर्तीचा उच्छेद केला आणि तेथे शंकराच्या पिंडीत थापल्या। कित्येक ठिकाणी तर बुद्धाच्या मूर्तींना थोडा बहुत फरक करून त्यांना शंकर मूर्तीचा बाप्तिस्मा दिला। अशा रीतीने बौद्ध विहारांचे रूपांतर शंकराच्या देवळात झाले। यहां पर वो लिखते हैं कि बहुत सी जगहों पर जो विहार थे, बौद्धों के संगागर थे, गुफाएं थी, उसकी तोड़फोड़ की गई, उसका ब्राह्मणीकरण किया गया, बुद्ध की जो मूर्तियां थी उसको तोड़ा गया और थोड़ा बहुत चेंज करके उन मूर्तियों को, बुद्ध की मूर्तियों को शंकर की मूर्तियों में तब्दील कर दिया। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था, कल के वीडियो में भी कहा था कि ब्राह्मण लोग जो गॉड की संकल्पना बताते हैं, GOD, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो जो जनरेटर है जिसे ब्रह्मा ब्राह्मण लोग कहते हैं और जो डिस्ट्रॉयर है जिसे शंकर कहा जाता है, तो जनरेटर जो ब्रह्मा है उसकी ज्यादा मूर्तियां होनी चाहिए, उसके ज्यादा मंदिर होने चाहिए, ब्राह्मणी धर्म के लोगों ने उसकी पूजा करनी चाहिए, ज्यादातर उसकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है कि शंकर जो कि डिस्ट्रॉयर है ब्राह्मणों के अनुसार, उनकी ज्यादा मूर्तियां है, उनके ज्यादा मंदिर है। तो इससे यही समझ में आता है, कल के वीडियो में जो मैंने बताया था कि बुद्धा की मूर्ति को शंकर की मूर्ति में तब्दील करना बहुत आसान काम था और ऐसा ही ब्राह्मणों ने किया। और ये जो किताब है, प्रबोधनकार ठाकरे ने लिखी हुई जो किताब है, वो किताब इस बात का सबूत है, लिखित सबूत है। देखो, कोई काल्पनिक बात या मेरे मन में जो ख्याल आया वो मैंने आपके सामने रखा है, ऐसा नहीं है। और इस किताब की एक विशेषता और भी है,
क्या विशेषता है? तो ये किताब प्रबोधनकार ठाकरे के समग्र वांग्मय, उन्होंने जो भी लिटरेचर लिखा उस सारे लिटरेचर में लिटरेचर छापते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसे पब्लिश कर दिया है। यानी महाराष्ट्र सरकार भी ये मानती है कि ये जो लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने बुद्ध विहारों को ही मंदिरों में तब्दील कर दिया, ब्राह्मणों ने बुद्ध की मूर्तियों को ही शंकर की मूर्तियों में तब्दील कर दिया, ये बात सही है, ये महाराष्ट्र सरकार भी मानती है, और इसीलिए उन्होंने वो समग्र वांग्मय पब्लिश करते हुए ये किताब भी उसमें पब्लिश की है। अगर ये सही नहीं होता तो वो लोग, यानी जो पब्लिश करने वाली अलग समिति होती है, वो समिति इस किताब को या इस बात को उसमें समग्र वांग्मय में छापते हुए नहीं लिखती या नहीं देती, क्योंकि वो गलत है। लेकिन जबकि महाराष्ट्र सरकार ने खुद इसे पब्लिश कर दिया है तो इस बात को नकारने का कोई भी मौका या कोई भी जगह नहीं है जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये बात झूठ है। और ये बात प्रबोधन, जैसे मैंने पहले ही बताया, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उनके दादाजी ने कही है। शिवसेना जो जिसने जिन्होंने पार्टी बनाई, बालासाहेब ठाकरे, इनके पिताजी ने कही है। तो जो लोग या जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, असल में वो ब्राह्मणी धर्म है, उनको इस बात को भी मानना होगा कि ये जो लिखा हुआ है वो सच है। और जो चर्चा चल रही है इस किताब से, उस चर्चा की दावेदारी या बहुजन समाज की जो दावेदारी है वो और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है, और भी ज्यादा वे लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो का विषय, प्रबोधनकार ठाकरे की किताब आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए या किसी बहुजन समाज के जो बुक विक्रेता होते हैं उनके वो पास से लीजिए और पढ़िए, उसको समझिए। काफी सारी बातें उन्होंने आज जो विषय चर्चा में चल रहा है पूरे देश भर में उसको लेकर उन्होंने कही है। तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, अगर आपने वो किताब पढ़ी है तो, और क्या संदर्भ आपको मिले हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसमें इस बातों का जिक्र किया गया है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध विहारों को तोड़ मरोड़ कर ही मंदिरों का निर्माण किया है, उन किताबों की जानकारी भी, उन किताबों के नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो। अब तक के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए MNTV। शुक्रिया।